नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान का गाने जिंदा बंदा से शुरुआत। करीब 15-20 दिन पहले टीजर से शुरुआत हुई थी और अब वो ट्रेलर लॉन्च नहीं करके एक गाना लॉन्च करने जा रहे हैं इस हफ्ते, जिसकी वर्डिंग है जिंदा बंदा। ये एक फुट टैपिंग नंबर है और पिछले दिनों चेन्नई में शूट किया गया। इसमें शाहरुख खान के साथ 1000 डांसर थे जिन्हें बुलाया गया था मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और मदुरई से। इस गाने को कंपोज किया है अनिरुद्ध ने और कोरियोग्राफी किया है शोभी ने। ये पहली फिल्म है हिंदी की बतौर डायरेक्टर एटली की और स्टारिंग में नयनतारा और विजय सेतुपति की। वैसे शाहरुख का गंजा लुक लोगों ने पसंद किया था। अब ये गाना फिल्म पठान के गाने हमें तो लूट लिया जैसा पसंद करते हैं या रिजेक्ट करती है ऑडियंस, इसका इंतजार रहेगा। मनोज वाजपेयी ने शुरू की साइलेंस 2। लोगों ने साइलेंस 1 को बेहद पसंद किया था जो 2021 में आई थी। इसमें मनोज वाजपेयी बने थे ACP अविनाश वर्मा। अब कल इसका पार्ट 2 शुरू हो गया। इसके डायरेक्टर हैं अबन बरूचा और इस फिल्म की शूटिंग सितंबर में खत्म हो जाएगी। मनोज वाजपेयी के साथ इनकी को स्टार हैं प्राची देसाई। वैसे पिछले दिनों एक खबर उड़ी थी कि मनोज वाजपेयी की टोटल वर्थ है 170 करोड़। इससे मनोज वाजपेयी शॉक हो गए, ये न्यूज कहां से उड़ी, कैसे उड़ी, और वो कहते हैं कि उनकी इतनी वर्थ नहीं है। खैर मनोज जी, इतनी वर्थ न हो लेकिन आपने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमाया है। अच्छे अच्छे स्टार की फिल्में धूल चढ़ रही हैं, वहीं लोग आपको सर आंखों पर ले रहे हैं। वाकई ये बंदा काफी जोरदार है। विकी कौशल ने छोड़ी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंगम। विकी के सूत्रों के अनुसार विकी फिलहाल बिजी रहेंगे छत्रपति संभाजी महाराज फिल्म में। इसके डायरेक्टर है लक्ष्मण और फिल्म का नाम है छावा, और उनकी डेट्स क्लैश हो रही थी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंगम से, इसीलिए उन्होंने रोहित शेट्टी को इनकार कर दिया कि वो इसमें काम नहीं कर पाएंगे। इससे रोहित शेट्टी प्रोडक्शन काफी नाराज हो गया और उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जाहिर की कि उन्होंने विकी कौशल को अप्रोच नहीं किया है और सही समय पर फिल्म की स्टार कास्ट की घोषणा की जाएगी। मिस्टर रोहित, आपके दिन वाकई खराब चल रहे हैं। छोटे मोटे आर्टिस्ट भी आपको इनकार कर रहे हैं आपकी फिल्म सिंगम ज्वाइन करने को। एकता कपूर बनाएंगी वीरेदी वेडिंग की सिक्वल। 2018 में सुपरहिट फिल्म आई थी वीरेदी वेडिंग, जिसमें थे करीना कपूर, सोनम, सौरभ भास्कर और शिखा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शशांक घोष ने और फिल्म बनी थी मात्र 28 करोड़ में, और जबकि लाइफ टाइम बिजनेस था 140 करोड़। शशांक ने सिक्वल पे काम शुरू कर दिया है और 2024 में इसकी प्लानिंग है लॉन्च करने की। लेकिन एकता ने कंफर्म नहीं किया कि वीरेदी वेडिंग की ओरिजिनल चारों हीरोइने सिक्वल में रहेंगी या नहीं। मैडम एकता, आपके टेंट्रम और कंजूसी पनीर को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि इन चारों में से कोई भी तैयार होगी, और वैसे भी चारों बूढ़ी हो चुकी हैं, माँ बन चुकी हैं। आप कोई नई जवान लड़कियों को फाइनल कीजिए तो बेहतर होगा। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमोस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।